हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा अदर्स फाइल के बारे में। गाइस, ये अदर्स फाइल्स क्या होता है और हमारे फ़ोन के अंदर में ये क्यों सेव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है हमारे फ़ोन के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कवर करता है, और इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको कैसे हम लोग अपने फ़ोन के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, सारी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर चलते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग में, अबाउट फ़ोन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोरेज। इसके ऊपर में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट कर रहा है, और कैलकुलेट होने के बाद जो भी जितना भी आपके पास डाटा है, म्यूजिक है, ऑडियो है, ऐप्स है, फोटो है, वीडियो, वो सभी के सभी यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कितना क्या कुछ आपके फ़ोन में है। तो देख सकते हैं कि ऐप है हमारे फ़ोन में लगभग 10 GB के आसपास, पिक्चर्स एंड वीडियो है हमारे फ़ोन में लगभग 11 GB के आसपास, उसी तरह से ऑडियो, म्यूजिक, रिंगटोन, ये सब है हमारे फ़ोन में लगभग 75 MB, और यहाँ पर कैचेस फाइल है लगभग 2 GB से ज़्यादा, उसी तरह से अदर्स फाइल है हमारे पास लगभग 28 GB। तो गाइस, ये अदर्स फाइल वही फाइल होता है, मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, ये अदर्स फाइल वही फाइल होता है जैसे कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर में इंस्टॉल किए, बाद में उसको हम इसको अनइंस्टॉल कर दिए, यानी कि डिलीट कर दिए वो एप्लीकेशन को, लेकिन उसका जितना भी डाटा है, हम लोग जो भी कुछ यूज़ किए रहते हैं उस एप्लीकेशन में, वो सारे का सारे एक कैचेस फाइल यहाँ पर सेव होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको डिलीट करते हैं उस एप्लीकेशन को, या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो हमारा ये अदर्स फाइल्स के रूप में सेव हो जाता है, यानी हमारा फ़ोन उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है कि हम इस फ़ोन में आपने क्या क्या किया है, तो वो सारे सारे इस अदर्स फाइल में हमारा सेव हो जाता है। कैचेस फाइल अभी आप यूज़ जो कर रहे हैं वो कैचेस फाइल में यहाँ पर सेव होते रहता है, लेकिन जैसे जैसे कैचेस फाइल यहाँ पर पुराना होते जाता है, वो अदर्स फाइल के रूप में यहाँ पर सेव हो जाता है, कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ये लगभग 28 GB से भी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं आखिर इसको हम लोग डिलीट करें कैसे करें, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 GB हमारे फ़ोन के अंदर में है, 61 GB ओनली अवेलेबल है हमारे फ़ोन के अंदर में, और ये ही सिर्फ और सिर्फ 28 GB के आसपास हमारा ये अदर्स फाइल ही है जिसका हमें कोई भी काम नहीं है। तो आइए हम इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आप मेरा कितना स्पेस अवेलेबल रहता है फ्री। तो यहाँ पर आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, तो आपको यहाँ पर किसी तरह का अदर्स फाइल देखने को नहीं मिलेगा। आखिर ये फाइल कहाँ कहाँ पे है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर टाइप भी करते हैं अदर्स फाइल, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अदर्स फाइल यहाँ पर आप टाइप भी करेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए आपको सिंपल एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पर आपको सभी पर परमिशन देना होगा। यहाँ पर फुल स्क्रीन मैं कर लेता हूँ इसको, ताकि यहाँ पर देखने सुनने जानने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइल कैटेगरीज में जाएंगे, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देगा कि आपके फ़ोन में कितने तरह का फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 26 GB ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो 2 GB डाटा है वो हमारा रनिंग है, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है यहाँ पर 26 GB है, लेकिन इसमें से भी आप कुछ फाइल को रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिकवरी फाइल होता है, और इसी तरह से आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा फाइल किस एप्लीकेशन का है, वो सारे के सारे फाइल रख सकते हैं आप। यहाँ पर रिकवरी फाइल को मैं सजेस्ट करूँगा, रिकवरी फाइल को ज़रूर अपने फ़ोन में रखिए, ये अदर्स फाइल में रखिए, क्योंकि कभी भी हमारे फ़ोन को रिकवर करना होता है तो वो सभी सभी यहाँ पर फाइल्स काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, तो यहां पर मैं बंद कर दिया इसको, उसके बाद यहां पर फाइल कैटेगरीज में जाएंगे, तो यहां पर आपको दिखा देगा कि अदर्स फाइल कितना है, और यहां पर कैचेस फाइल कितना है, यहां पर एंड्रॉयड म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर्स फाइल को डिलीट करेंगे, तो यहां पर क्लिक किए और जितने भी इसमें फाइल है वो सभी के सभी यहां पर आ जाएगा। देख सकते हैं यहां पर है 21.95 GB ये फाइल है, जिसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ किसी तरह का काम का एप्लीकेशन नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कितना जीबी का था, ये 21 GB का, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फ्रेश एंड होल्ड करेंगे किसी भी एक फाइल के ऊपर में, या फिर और उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और उसके बाद डिलीट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए
बहुत ही आसानी से ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डेट टाइम भी दिखाएगा कि आपका फाइल कितने दिन का है, क्या क्या कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक डिलीट का बटन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर से। तो देख सकते हैं ये आया है, उसके बाद कन्फर्म फाइल डिलीट यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड में हमारा डिलीट कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल अदर्स फाइल हमें 26 GB यहाँ पर दिखाता था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 GB हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर 4 GB भी हम लोग रहने देते हैं और इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से एक बार और हम लोग डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का फाइल आप डिलीट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको अदर्स फाइल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिकवरी फाइल को डिलीट मत कीजिए क्योंकि उसका काम कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे डिलीट कर दिया और उसके बाद हम लोग इस फोन को यहाँ पर जाते हैं, एक बार अपने फोन को रिसेंट से सभी एप्लीकेशन को हटा देते हैं। उसके बाद फिर से सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर अबाउट फोन में, यहाँ पर स्टोरेज में जाते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा अदर्स फाइल था यहाँ पर लगभग 28 GB के आसपास, वो सिर्फ और सिर्फ 6 GB बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबल था 61 GB के आसपास, वो 84 GB हमारा अभी यहाँ पर स्टोरेज बचा हुआ है। तो कुछ इस तरह से करके आप अपने अदर्स फाइल को बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि अदर्स फाइल से डिलीट करने से आपके फ़ोन के अंदर में जो जितने भी डाटा है, वो किसी तरह का आपका डाटा, फोटो, वीडियो, म्यूजिक का नुकसान नहीं होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।